अभी भी घर वाले गांव में ही है, और काफी लोगों का कमेंट आता है भाई के बारे में कुछ बताते नहीं हो, तो काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम कब आईफोन ले रहे हो, तुम भी ले लो आईफोन, इतने दिनों से बोल रहे हो आईफोन का। तो यही चावल बोली है, मोटा वाला चावल। तो सन वाइट बोली थी, वाइट सन है ये, मतलब अरबी में वाइट सन है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हॉस्पिटल वाली मैडम हॉस्पिटल में नहीं गई, आज छुट्टी है, आज कोई भी ड्यूटी नहीं है, 2-3 दिन से छुट्टी चल रहा है, तो मैं रूम पे ही पड़ा हूँ, कोई भी काम वगैरह नहीं है। और बाकी कल का वीडियो मैंने डाला था आईफोन वाला, तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम कब आईफोन ले रहे हो, तुम भी ले लो आईफोन, इतने दिनों से बोल रहे हो आईफोन का। तो मैं तो पैसा इकट्ठा कर ही लिया था, आप लोग जानते ही हो, मैं iPhone 13 नया लेने वाला था, अब तक मैं ले चुका होता, ईद के बाद ही लेने वाला था मैं, ईद के दूसरे तीसरे दिन में ले लेता, मगर ईद के दूसरे दिन ही भाई के साथ वो हो गया था, आप लोग जानते ही हो। तो उसी दिन से मैं परेशान हूँ, बाकी जो भी पैसा था मैं भेज दिया भाई को ढूंढने में, घर वाले गाँव गए उसमें पैसा लगा, उधर भागलपुर मुंगेर गए उधर उतना पैसा लगा, हर जगह ये थाना वो थाना, हर जगह पैसा तो लगता ही है और हर जगह लगा। तो वो तो अपना जो भी बजट बचा था वो सब उसी में ख़त्म हो गया, आप लोग जानते ही हो। अभी भी घर वाले गांव में ही है, और काफ़ी लोगों का कमेंट आता है भाई के बारे में कुछ बताते नहीं हो, तो मैंने बोला था ना कि बताने का क्या फ़ायदा है, मैं वीडियो बनाया उसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं, उल्टा और नुकसान ही है। मान लो अगर वो कोई वीडियो देख रहा है जो भी कुछ किया है, तो वो अपना सतर्क हो जाएगा। बाकी काम चल रहा है, आप लोग जानते हो कि इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, और हर जगह पुलिस के सेफ्टी रैली में ये वो, पुलिस वाले उसी में ज़्यादा अभी बिजी है, तो इस पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, मगर काम चल रहा है, मुश्किल नहीं है, जल्दी कुछ पता चलेगा, नहीं चलेगा तो मैं यहाँ से जाऊँगा, और फिर जहाँ पे भी भागना हो, जहाँ पे भी जाना हो, मैं जाके सब काम कराऊंगा, आप लोग जानते ही हो। तो देखो, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि इलेक्शन ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद ये लोग ध्यान दे, देखते हैं क्या होता है। बाकी रहा आईफोन का, तो आईफोन तो अभी तो नहीं ले पाऊंगा मैं, अब आईफोन का छोड़ो सपना, वो मैं तब लेने का सोच रहा था कि मैं खुशी खुशी जा रहा था, मैं पैसा इकट्ठा किया था आईफोन लेने के लिए, ले लिया होता अब तक, खुशी खुशी जाते तो ले लेते, मगर अभी जा रहे गम में, ऊपर से जाएंगे तो पता नहीं और कितना खर्च होगा, और कितने दिन भाग दौड़ करना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कितना कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए, उल्टा और कर्जी हो गया है, तो ये आईफोन लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी फिलहाल इसी मोबाइल से अपना वीडियो बनाया करूँगा, वैसे भी अभी जाके मैं इंडिया में देखना चाह रहा हूँ कि वीडियो बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, पिछली बार गया था मैं तो पब्लिक में घर पे रूम पे वीडियो बनाने में शर्मा रहा था मैं, तो अभी जाके मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करूँगा कि वीडियो में पब्लिक में बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ, और रीच अच्छा रहता है कि नहीं रहता है, व्यू अच्छा रहता है कि नहीं रहता है, उस हिसाब से अगर अच्छा रहेगा तो EMI पे ले लेंगे कोई भी फ़ोन, अच्छा क्वालिटी वाला, अच्छा कैमरे वाला, आईफोन लेना हो तो वो भी ले लेंगे अगर लेना पड़े तो, नहीं तो ये फ़ोन भी सही है वैसे, अच्छा क्वालिटी आ जाता है, बस एक माइक ले लूँगा मैं, वो जो मैं देखा था जरीर में वो माइक ले के जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हो ये सऊदी में उतना पॉपुलेशन नहीं है, और बहुत ही हर जगह कहीं पे भी जाता हूँ तो शांत रहता है, आराम से मोबाइल से ही अपना आवाज़ अच्छा आ जाता है, मगर उधर तो इंडिया में बहुत ही पब्लिक, बहुत ही गाड़ियों का आवाज़, पी पा पू पा, ये आदमियों का आवाज़, कितने गाने ये गाड़ियों में गाने बजाते बजाते, ऑटो में गाने बजाते बजाते गाड़ी चलाते हैं, तो वो शोर शराबा, तो उसमें थोड़ा ये आवाज़ कैच नहीं कर पाएगा,
चिल्लाना पड़ जाएगा, और चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा वो तो वहां पे जाने के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि अभी फिलहाल इसी से ट्राई करेंगे, जाके देखते हैं कि वीडियो बन पाता है कि नहीं बन पाता है, और रेगुलर जैसे यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ पे डाल पा रहा हूँ कि नहीं डाल पा रहा हूँ, तो उस हिसाब से अपना देखेंगे। फ़ोन वगैरह कोई EMI पे ले लेंगे। फिलहाल जो आगे है उस पर ध्यान दे रहा हूँ मैं, पहले भाई मिल जाए सही से और भाई के बारे में पता चल जाए। अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है कि कहाँ है कैसा है। आप लोग दुआ करो कि जहाँ भी हो सही सलामत रहे और सही से वापस आ जाए, दुआ करो, बस यही कर सकते हैं। बाकी वीडियो बनाने से तो यही लोग बोल रहे हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो तो मालूम ही है हमें कि यहाँ जाना वहाँ जाना है, वहाँ हर जगह तो जाके देख ही लिए, हर जगह यही बोल रहे हैं कि काम हो रहा है काम हो रहा है, इंतज़ार करो इंतज़ार करो, तो देखो अभी क्या होता है और क्या पता चलता है। तो यही बताना था, कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम कब ले रहे हो फ़ोन, तुम कब ले रहे हो फ़ोन। तो फ़ोन लेना था, उस समय की परिस्थिति अलग थी और अभी का परिस्थिति अलग है, आप लोग जानते ही हो, आप लोग जानते ही हो कितना इधर ड्राइवरी में कमाई है और कितना खा पी के बच जाता है, वो तो जानते ही हो। और मेरा तो और डबल खाने से ज़्यादा तो किराए में जाता है इंडिया से लेके यहाँ तक। इंडिया में 5 से 7 हज़ार तक बिजली बिल वगैरह लेके किराया भरता हूँ मैं, यहाँ पे भी ये 150 का रूम, बाकी बिजली बिल भी वैसे ही 70-80 रियाल आ जाता है, तो 200-250 मान लो तो 5 हज़ार यहाँ पे भी हो गया, तो 10-12 हज़ार तो मैं किराया ही भर रहा हूँ यहाँ और इंडिया में। बाकी अब कितना कमा ले रहा हूँ और कितना बच रहा है वो आप ही लोग जोड़ सकते हो कि कितना मैं कमा रहा हूँ। बाकी जो कहीं पे भी जाओ लोग तो सोच रहे हैं कि सऊदी का कमाई है, 5 लग रहा है तो 10 बता रहे हैं, और ऊपर से बोल भी रहा है कि अरे पैसे की मुंह मत देखो, पैसे मत देखो, ये करो वो करो। अरे भाई पैसा रहेगा तो ना आदमी हाँ 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया किसी को भी दे दे, जो भी हो जिसके ऊपर तकलीफ होता है उसी को पता रहता है कि मेरा हालात कैसा है मैं कैसा हूँ। बाकी चलो अभी तो कोई ड्यूटी वगैरह आया नहीं है, कोई ड्यूटी आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाकी मिलते हैं कोई ड्यूटी आता है तो। दोस्तों रात के 7:34 हो रहा है, अभी कफिल के वाइफ का फोन आया था कि तलाजा आलमिया में जाओ वहाँ पे किसी से बात कराओ जाके, तो चलो चलते हैं जाके देखते हैं क्या मंगवाती है। तो आ गया मैं ये तलाजा आलमिया में, चलो अंदर चल के किसी से बात करवा देते हैं। तो यही चावल बोली है मोटा वाला चावल, तो सन वाइट बोली थी, ये वाइट सॉन है, ये मतलब अरबी में वाइट सॉन है। ये है अपना देखो 38 रियाल का। तो दोस्तों ये वाला लाने के लिए बोली है, इसमें ऑफर है, तो ये मुझे लग रहा है ये लोग तोता पाले हैं ना, तो तोता को खिलाने के लिए मंगा रही है। चावल तो मुझे भी लेना है मगर मैं लूलू में जाता तो लूलू से लेता मैं, उधर थोड़ा ऑफर लगा रहता है, इधर क्या ऑफर है देखते हैं। ये 33 रियाल का है और वही 44 रियाल का, लूलू में 30-32 का मिल जाता है, आप लोग देखते ही हो, इधर 30 का तो कोई भी नहीं है। तो 1-2 दिन सब्र करते हैं, उधर ड्यूटी चालू हो जाएगा तो लूलू में जाके चावल लूँगा मैं, अभी छुट्टी चल रहा है। तो दोस्तों चावल लेके आ गया मैं इधर, चलो दे देता हूँ मैं, सब इधर ही है लोग, इसकी बेटिया। तो दोस्तों दे दिया मैं चावल, बाकी कल का 27 रियाल जो हुआ था मैं वो दही वगैरह ले जाके पहुंचाया था, दही और लेबन, वो बाकी ये 24 रियाल 51 रियाल हुआ तो मैं बताया, तो बोले कि खलास बैंक में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, और 150 पहले से ही है पेट्रोल का, 201 रियाल तो
कफिल के पास पड़ा हुआ है। बाकी रूम का किराया भी मुझे ही देना है अभी। अभी भाई तो है नहीं, तो मकान मालिक को बुला के देना पड़ेगा। तो वही 200 जब भेजेंगे तो निकालूंगा एटीएम से और कल बुला के दूंगा। बाकी अभी 8:04 हो रहा है और खाना वगैरह खत्म हो चुका है। खाना नहीं बनाया हूँ अभी, तो जा रहा हूँ मैं उधर अलबादिया में, कुछ ले लेता हूँ खाना खाने के लिए होटल से। बाकी वही है, चावल खत्म हो चुका है मेरा, तो चावल खरीदना पड़ेगा बोरी। तो रोटी खाना है तो रोटी सब्जी ले लेते हैं 2 रियल का, 3 रियल का। बाकी कल रात को शाम को देखेंगे कुछ बनाएंगे। तो आ गया मैं इधर मार्केट में, चलो 2 रियल का सब्जी ले लेता हूँ और बाकी 1 रियल का रोटी ले लूँगा मैं सुपरमार्केट से। तो गोभी है मेरा फेवरेट, वही ले रहा हूँ। तो ये सब्जी ले लिया मैं, बाकी रोटी ले लेता हूँ इधर से। तो ये रोटी भी ले लिया मैं, रोटी सब्जी। चलो अब चलते हैं रूम पे, रूम पे जाके खा लेंगे। देखो आज अलबादिया मार्केट कितना खाली खाली लग रहा है। तो आ गया मैं रूम पे, 8:23 हो रहा है, 8:30 हो ही गया। चलो चल के अपना खाना वगैरह खा के रेडी रहते हैं, कोई ड्यूटी आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों सब्जी रोटी लेके आ गया मैं, इधर बैठ गया हूँ। बाकी देखो इधर का सब मैं संभाल लिया हूँ, ये सब बर्तन। तो देखो दोस्तों ये है आलू गोभी का सब्जी, मैं अभी खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करो।